ककरी कानापुर के ससुर और गाजर गाजीपुर के तहोलिया में मजा दी। और गोभिया जवन, नहीं गोभिया नहीं है, का नाम था, हाँ मुरैया जवनपुर के, गड़बड़ा जाता है बात ऐसा है कि बहुत जो है चटकदार खुशखबरी लेके आएंगे, बताएंगे ससुर तो घुमरिया की पर हो गया, हाँ बता रहे हैं, चलो बताते हैं, रुको तनी, बादाम कच्चा बादाम खा रहे हैं, कहा सोच रहे दे देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ऐसे दांत चियार के आ जाते हैं, सोच रहे दे देंगे नहीं देंगे, आ हम तुमको न्यूज़ देना चाहता है, न्यूज़ ले बादाम पे ध्यान मत रखो और आएगा। हाँ तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक, बाकी वीडियो पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लास्ट तक देखो। बात ऐसा है तो देखो, हर साल के भांति आप सबको पता होगा कि इस साल के होली में सबसे ज़्यादा गाना कौन बज रहा है, कौन है गाना, कितना ज़्यादा व्यूज आया है, शायद सबको नहीं पता होगा, तो हम बोले लाओ बताए देना चाहते हैं कहाँ से कल और परसों, शायद कहूँ को पंडितवा लोग जो है कल बता रहा है, कहूँ पंडित लोग परसों बता रहा है, यही में कन्फ्यूज है, हम तो 12 बजे रात को खेलेंगे कि दोनों ओर पड़ जाए, 12 बजे रात को भी पड़ जाए, यहाँ भी पड़ जाए, बाहर भी पड़ जाए, ठीक है। तो जो है हर साल के भांति सबसे ज़्यादा गाना, मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज किस गाने पर आया हुआ है। अब ये देखो पिछले साल की बात किया जाए तो अखिलेश कश्यप जी का जो गनवा था, वही भतीजा वाला कुछ, भतीजा के माई लड़का हो जाए पेट में, ऐसे कुछ था, वो गाना सबसे ज़्यादा बजा था, उस गाने में सबसे ज़्यादा व्यूज था। तो उसी प्रकार से, उसी भांति से इस साल किस गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज है, लाइक्स है, कौन गाना सबसे ज़्यादा बज रहा है, क्या पवन सिंह भैया का गाना सबसे बज रहा है, कि खेसारी भैया का गाना बज रहा है, कि जो है ढोनी स्टार लोग जैसे कि चंदन चंचल, नीलकमल सिंह, चरोमी यादव, ऐसे कुल बहुत लोग सिंगर है, तो किसका गाना सबसे ज़्यादा बज रहा है, किस गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज है। तो बात ऐसा है, तो बैठ जाने तो बढ़िया से बताना पड़ेगा ना कुल न्यूज़, ऐसा मजाक वाली बात थोड़ी ना है। देखिए बात ऐसा है, हमने गया ग्लोबल म्यूजिक चार्ट पे, तो वहाँ पे हमको एक ठू बहुत बढ़िया चीज़ दिख गया कि भैया सबसे ज़्यादा गाना, मैंने गाने व्यूज किसके हैं, खेसारी भाई हैं कि पवन भैया हैं। तो हम पवन भैया जो है जाके अकाउंट खोल लिया ग्लोबल म्यूजिक चार्ट पे, तो वहाँ पे देखा कि जो खेसारी भाई जो पिचकरिया थोपे थोपे रंगवा कुछ ऐसे था ना गाना, उस पर 15 मिलियन व्यूज है अक्रॉस यूट्यूब चैनल, कहने का मतलब पवन भैया को उस गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज है। हालांकि एक तो हम वीडियो आज से जो है 2-4-10 दिन पहले बना दिए थे, लेकिन वो वाला अपडेट, ये वाला अपडेट फ़र्क है, देखते जाओ तनिक मज़ा आने वाला है। तो पवन भैया कोई थोपे थोपे गनवा पे और ठू गाने पहाड़ दिखाए थे ना पवन भैया, डिम्पल का पहाड़, उस गाने पे जो है 14 मिलियन व्यूज है शायद, ठीक है, यही दूठू गाने पे सबसे ज़्यादा पवन भैया गाने पे व्यूज है। तो अब यही लगेगा तुम सबको कि पवन भैया गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज है, नहीं गड़बड़ा गया, तुम लोग तनिक ध्यान नहीं दे रहा, हम बता देना चाहते हैं। बात ऐसा है कि खेसारी भाई गाना आया है, गाने का नाम है कि भतीजोग माई, ठीक है, भतीजोग माई आया, गर्म गोदाम आया, ओकरे बाद में मेन गाना आया मुरैया जोन है जबलपुर के, ठीक है। तो बात ऐसा है गरम गोदाम व्यूज, गरम गोदाम गाने पे 16 मिलियन व्यूज है अक्रॉस यूट्यूब चैनल, देख सकते हो पूर्व यहीं पर, और तुम भी जाके ग्लोबल म्यूजिक चार्ट पे चेक कर सकते हो। और जो ये भतीजोग माई है 12 मिलियन हो गया है अक्रॉस यूट्यूब चैनल। और सबसे मेन मुद्दे की बात ये है कि सबसे ज़्यादा व्यूज किसी गाने पे इस साल के होली में, तो वो है क्या नाम है मुरैया जबलपुर के, क्योंकि देखो मुरैया जौनपुर के जब गाना रिलीज हुआ था तो कुछ दिन बाद जब 2-3 मिलियन व्यूज गया तो वो कोनो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया कि ब्लॉक कर दिया, वो गाना डिलीट हो गया यूट्यूब से। तो हुआ ये कि उस गाने पे व्यूज आना बंद हो गए थे कुछ देर के लिए, लेकिन अब क्या कर वो, जौन गाना अच्छा होता है चाहे 10 दाई डिलीट कराओ लेकिन गाना चलता है, ठीक है। तो वो गाना डिलीट कराने के बाद में भी, हालांकि वो गनवा फिर कुछ दिन आज से 2-4 दिन पहले जो गनवा फिर से आ गया था यूट्यूब पे, तो उस पर अगर व्यूज देखना जाए, व्यूज लाइक देखा जाए, कमेंट देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त कर लिया है, ठीक है। उस गाने का आगे किसी गाना इस साल टिका नहीं, हालांकि देखा जाए तो अखिलेश कश्यप भाई का भी गाना नहीं बज रहा उतना ज़्यादा जितना कि मुरैया जौनपुर के बज रहा है। देखिए अब बात नहीं घुमा रहे, बात को सीधा सीधा बता दे रहे हैं, उस गाने पे 24 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हो गए हैं, 24 मिलियन एक महीने के अंदर। अगर वो गाना डिलीट नहीं हुआ होता तो हमको लगता है कि 50 मिलियन पहुंच गया होता, लेकिन वो डिलीट होने के कारण थोड़ा गड़बड़ा गया था बीच में। तो सबसे ज़्यादा किसी गाने व्यूज है अभी विनोद, तो वो है मुरैया जबलपुर के, उस पर जो है 24 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हो गए हैं। और कल परसों होली है तो हमको लगता है कि अब ज़्यादा गनवा ही बीच में बजेगा तो 30 मिलियन के हाराहारी उस गाने पे व्यूज हो जाएंगे, हमारा यही मानना है। बाकी तुम सबका काम मानना तो दांत चियार के कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना है।
थक जाता है बोलते बोलते भाई। हाँ चलते हैं आज की वीडियो में, इतना है। नमस्कार, पाला की जिंदाबाद।